पूछना चाहे दफना लो, एक दिन बाहर आ ही जाता है। आज भी मेरी फैमिली को परेशान किया जा रहा है। जब तक हम जिंदा ये छानबीन चलती रहेगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे दृश्यम 2 का संडे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डी 10 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म दृश्यम 2 का संडे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डी 10 की, तो फिल्म ने संडे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डी 10 के अंदर बहुत ही बेहतरीन कमाई के सिलसिले को बरकरार रखी है। दोस्तों वीकेंड भी था और लोग अपने अपने नजदीकी थिएटर्स में दृश्यम 2 देखने पहुंचे। बात करें फिल्म दृश्यम 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डी 10 की, तो फिल्म दृश्यम 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 10 के अंदर 17.25 करोड़ का नेट एस्टीमेट कलेक्शंस रहा है। इसी के साथ फिल्म दृश्यम 2 का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन 144.25 करोड़ का नेट प्रोड्यूसर फिगर कलेक्शंस हो चुका है। वहीं दोस्तों फिल्म दृश्यम 2 के टोटल वर्ल्ड से वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस की बात कर ले, तो फिल्म दृश्यम 2 का टोटल वर्ल्ड से वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 200.24 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है। दोस्तों फिल्म दृश्यम 2 के बजट की बात करें तो फिल्म को 90 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, जो कि फिल्म अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। फिल्म की दिलचस्पी और फिल्म जिस तरीके से कमा रही है, फिल्म बहुत जल्द अपने 250 करोड़ के आंकड़े को वर्ल्ड वाइड पार करने वाली है। वहीं दोस्तों फिल्म दृश्यम 2 इंडिया बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ के आंकड़े के बेहद नजदीक है। फिल्म दृश्यम 2 आपने देखी या ना देखी, फिल्म नहीं देखी तो अपने नजदीकी थिएटर्स में जाके इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं वरुण धवन कृति सेनन स्टार फिल्म भेड़िया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डी 3 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म भेड़िया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डी 3 की, तो फिल्म भेड़िया का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डी 3 के अंदर ठीक ठाक कमाई देखने को मिली है, लेकिन फिल्म दृश्यम 2 के मुकाबले फिल्म भेड़िया कमाई करने के मामले में काफ़ी पीछे नजर आई। बात करें फिल्म भेड़िया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डी 3 की, तो फिल्म भेड़िया का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डी 3 के अंदर 11.25 करोड़ का नेट एस्टीमेट कलेक्शन रहा है। इसी के साथ फिल्म भेड़िया का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन 28.98 करोड़ का नेट एस्टीमेट कलेक्शन हो चुका है। वहीं दोस्तों फिल्म भेड़िया के अभी तक के टोटल वर्ल्ड से वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात कर ले, तो फिल्म भेड़िया का अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अप्रॉक्स 39 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। दोस्तों फिल्म भेड़िया की बात करें तो फिल्म भेड़िया को 85 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग और सैलरीज को मिलाकर। वहीं दोस्तों फिल्म भेड़िया ने अपने प्रीवियस डे 2 के अंदर 9.57 करोड़, तो वहीं फिल्म का डे 1 के अंदर 7.48 करोड़ की ओपनिंग दी थी। दोस्तों आप सभी को बता दो कि फिल्म भेड़िया दृश्यम 2 से टकरा रही है, इसके चलते फिल्म भेड़िया का कलेक्शन करने के मामले में काफी गिरावट देखने को मिल रही है दृश्यम 2 के मुकाबले। फिल्म भेड़िया आपने देखी या ना देखी, आपकी फिल्म भेड़िया के ऊपर क्या राय है अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं ऋषभ सेठी ब्लॉकबस्टर फिल्म कांतारा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डी 59 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म कांतारा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डी 59 की, तो फिल्म कांतारा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डी 59 के अंदर 0.85 करोड़ का नेट एस्टीमेट कलेक्शन रहा है इन इंडिया ऑल लैंग्वेजेस से। इसी के साथ फिल्म कांतारा का अभी तक टोटल वर्ल्ड से वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 409.25 करोड़ का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है, जहां फिल्म का इंडिया ऑल लैंग्वेजेस से टोटल 362 करोड़, तो वहीं फिल्म का 47 करोड़ ओवरसीज कलेक्शन है। दोस्तों फिल्म कांतारा की बात करें तो फिल्म कांतारा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट है। फिल्म का बजट मात्र 16 करोड़ था और फिल्म अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर दुगनी तिगनी कमाई कर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट हुई है। फिल्म कांतारा को इसके ओरिजिनल लैंग्वेज में 30th सितंबर 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। फिल्म को काफी लोकप्रिय होने के चलते इसे हिंदी में डब कर 14th अक्टूबर 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। चलिए दोस्तों बात करते हैं ब्लैक पैंथर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 17 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म ब्लैक पैंथर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डी 17 की, तो फिल्म ब्लैक पैंथर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डी 17 के अंदर 1.25 करोड़ का नेट एस्टीमेट कलेक्शन रहा है। इसी के साथ फिल्म ब्लैक पैंथर 2 का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन 77.10 करोड़ का नेट इन इंडियन रुपीज कलेक्शन हो चुका है। वहीं दोस्तों फिल्म ब्लैक पैंथर 2 के टोटल वर्ल्ड से वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात कर ले, तो फिल्म ब्लैक पैंथर 2 का टोटल वर्ल्ड से $600 मिलियन की कमाई हो चुकी है, जहां फिल्म का यूएसए से $352 मिलियन, वहीं फिल्म का रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से $258 मिलियन की कमाई हो चुकी है इंक्लूडिंग इंडिया को मिलाकर। दोस्तों फिल्म ब्लैक पैंथर के बजट की बात करें तो फिल्म ब्लैक पैंथर को $250 मिलियन के बजट में तैयार किया गया था, जो कि फिल्म अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड $600 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुकी है। फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट है। फिल्म ब्लैक पैंथर 2 आपने नहीं देखी तो नजदीकी थिएटर्स में जाके फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं।
चलिए दोस्तों बात करते हैं अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, डैनी एंड वुमन ईरानी की फिल्म ऊंचाई के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन D17 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म ऊंचाई के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन D17 की, तो फिल्म ऊंचाई का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन D17 के अंदर 0.75 करोड़ का नेट एस्टिमेट कलेक्शन रहा है। इसी के साथ फिल्म ऊंचाई का विद टोटल बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन 28.12 करोड़ का नेट प्रोड्यूसर फिगर कलेक्शन हो चुका है। वहीं दोस्तों फिल्म ऊंचाई के टोटल वर्ल्ड से वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात कर ले तो फिल्म ऊंचाई का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 38.12 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है। दोस्तों फिल्म ऊंचाई की बात करें तो फिल्म ऊंचाई को 35 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। दोस्तों फिल्म ऊंचाई 4 दोस्तों पर आधारित है जिसमें से एक दोस्त का निधन हो जाता है। बाकी के 3 दोस्त अपने दोस्त की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं। बाकी फिल्म की कहानी जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। फिल्म ऊंचाई आपने नहीं देखी तो नजदीकी थिएटर्स में जाकर इस फिल्म को लुत्फ जरूर उठाएं। तो दोस्तों ये था लेखा जोखा हाल फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का। पोस्ट पसंद आए तो लाइक करिएगा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बॉलीवुड के गलियारों से लेटेस्ट खबर के लिए जुड़े रहिए मेरे से एंटरटेनमेंट न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।